हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके पर्सन के बारे में। इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन को आपके बारे में क्या पसंद है। एंड कुछ मैसेज कार्ड्स भी मैं पुल करूंगी लास्ट में, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि ये पर्सन एग्जैक्टली आपसे कहना क्या चाहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर्सन को आपके बारे में क्या पसंद है। कैप्रिकॉर्न, Ten of Water, King of Water, Nine of Air, Ace of Water. Okay, तो King of Water का कार्ड है यहाँ पे। इस पर्सन को पसंद है आपका बैलेंस्ड अप्रोच किसी भी चीज़ की तरफ। इन्हें लगता है कि आप बहुत मच्योर हैं और अपने साथ साथ दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। आप दूसरे के व्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हैं। उन्हें लगता है कि आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को, और ये चीज़ आपको बहुत स्पेशल बनाती है उनकी नज़र में। उन्हें ऐसा लगता है कि ना सिर्फ आप उनके साथ कोप अप कर लेंगे, बट उनके फैमिली के साथ भी आप कोप अप कर लेंगे। और एक आप ही ऐसे पर्सन हैं उनके लाइफ में, अगर हम बात करें रिलेशनशिप्स की, जो उनकी प्रॉब्लम को समझता है, जो उनकी मजबूरियों को समझता है और कोशिश कर रहा है उनके साथ जीवन बिताने की। उन्हें ऐसा लगता है कि चाहे तो आप कुछ और भी अपने लिए खोज सकते हैं या आपको कोई और भी मिल सकता है, मगर फिर भी आप यहाँ पे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। एस ऑफ वाटर के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक पर्ल हैं, आप एक गिफ्ट हैं जो इन्हें होल्ड करके रखना है, जो इन्हें यू नो स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करना है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का भी डर है कि जिस तरीके से वो आपको पसंद करते हैं, हो सकता है कई दूसरे लोग भी आप में इंटरेस्टेड हो। क्योंकि टेन ऑफ वाटर के साथ इस पर्सन का ऐसा लगता है कि आप जहां भी जाते हैं आपको बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता है, आप गॉर्जियस हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं एंड इंटेलिजेंट भी। तो इस पर्सन को लगता है कि जिस तरीके से वो आप में इंटरेस्टेड हैं, उसी तरीके से बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं एंड आपको उसी नजर से देखते हैं एक लवर के तौर पर। हर कोई शायद आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहेगा अगर मौका मिले तो। ये बात इस पर्सन को अच्छी भी लगती है, उन्हें लगता है कि आप एक स्पेशल पर्सन हैं और आपके जैसा लवर हर किसी के पास नहीं होता। और इस बात से इस पर्सन को थोड़ी सी जालस भी है, ये काफ़ी जालस भी फील करते हैं जब भी किसी और का कॉम्प्लीमेंट आपको मिलता है या कुछ भी ऐसा होता है जो उन्हें ये फील करवाए कि दूसरा पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। उन्हें डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनमें इंटरेस्ट लूज कर बैठे किसी और की वजह से, पर ऐसा नहीं होता। ये बात भी इस पर्सन को पसंद है। ओके, नाइन ऑफ एयर का कार्ड है। नाइन ऑफ एयर के कार्ड के साथ लाइफ में ये पर्सन बहुत अकेला है। ओके, इस पॉइंट पे इन्हें लग रहा है कि इन्हें सबने अकेला छोड़ दिया है। पता नहीं एग्जैक्टली इनके जीवन में चल क्या रहा है, किसी तरीके का फाइनेंशियल स्ट्रगल, किसी तरीके का इशू इनके लाइफ में, इनके बैकग्राउंड में, पता नहीं ये क्या है, मगर ये पर्सन इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस वक्त कि उन्हें किसे चूज करना है या उन्हें क्या चूज करना है। एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस समय में बस एक आप ही हैं जो उनसे बात तक करना पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे इनके लाइफ में इस पॉइंट पे जो इन्हें अवॉइड कर रहे हैं, या अगर कोई बात होती भी है तो वो नेगेटिव ही होती है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप काफ़ी समझदार हैं और ये बात भी इस पर्सन को आपके बारे में बहुत पसंद है। इन्हें लगता है कि आप इनको इनकरेज करते हैं, इन्हें ये भरोसा दिलाते हैं कि चाहे हालात जो भी हो आप दोनों इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। ऐसा कई बार हुआ भी है जब आपके मोटिवेशन पे इस पर्सन ने अपनी लाइफ को संभाला है और उन्हें लगता है कि आप एक
अमेजिंग पार्टनर है, जब बात आती है चैलेंजेस को फेस करने की, आप वो पेशेंस दिखा पाते हैं जो उनके अंदर नहीं है, आप वो स्ट्रेंथ दिखा पाते हैं जो उस समय वो लैक करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन वीक है, लेकिन जब भी इन्हें लगता है कि अब इनके अंदर और स्ट्रेंथ नहीं बची या ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब आप इन्हें ये हौसला देते हैं कि ये आगे की जर्नी कर सकें। ओके, तो इस पर्सन को ये बात भी आपकी बहुत अच्छी लगती है और इस बात को लेके वो बहुत खुश है कि उन्हें कोई ऐसा मिला है जो उन्हें समझ सकता है बजाय जज करने के। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर ऑफ वॉटर, क्वीन ऑफ एयर, मून, एंड एट ऑफ फायर। तो हमारे पास क्वीन ऑफ एयर है। क्वीन ऑफ एयर के साथ इस पर्सन को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप बहुत जिद्दी हैं, बहुत स्टबर्न हो गए हैं और अपनी बात मनवा के ही दम लेते हैं। मतलब अनजस्टफुल नहीं, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही ऐसे बिहेव करते हैं। उन्हें पता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अगर जिद ना करें तो वो कभी करेंगे भी नहीं, जैसे कि लाइफ को एंजॉय करने के बारे में या कुछ सरप्राइजेस अरेंज करने के बारे में, कहीं डिनर करने के बारे में, छोटी सी बात क्यों ना हो, या अच्छे से ड्रेसअप होके कहीं जाने के बारे में, छोटी छोटी चीजें जो लाइफ में एक्साइटमेंट लेके आती है। इस पर्सन को लगता है कि आप कभी कभी बहुत जिद्दी हो जाते हैं, कुछ चीजों को लेके बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं कि आपको ये चीज ऐसे ही चाहिए या इसे ऐसे ही अरेंज करना है। एंड ये बात इस पर्सन को इसलिए अनॉय करती है क्योंकि हो सकता है ये कोई लेजी पर्सन हो, आप जिससे भी डील कर रहे हैं वो बहुत एक्टिव नहीं है रोमांटिक लाइफ में, और ये चीज इसीलिए इनको थोड़ी सी ज्यादा यू नो लगता है कि उन्हें कभी कभी कि आप बिल्कुल पुश कर देते हैं उन्हें कुछ करने के लिए, बट देन उन्हें ये भी पता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उनके लाइफ में ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स कभी होने नहीं वाले, एंड कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसकी तरफ आप कल को पीछे मुड़ के देखें ना आपको लगे कि आपने अपनी लाइफ को वाकई एंजॉय किया। फोर ऑफ वाटर है यहाँ पे। फोर ऑफ वाटर के साथ इस पर्सन को आपके बारे में एक और बात बहुत पसंद है, वो ये कि आप कंटिन्यूअसली किसी ऐसी चीज को लेके परेशान नहीं रहते जो हो नहीं सकती या जो हो नहीं पा रही है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत क्विक है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में और अपने डिसीजन लेने में। आपको डिसीजन लेने में ज्यादा देर नहीं लगती, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है, ये बात भी इस पर्सन को बहुत पसंद है। मून का कार्ड है यहाँ पे। मून के कार्ड के साथ इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत कह सकते हैं कि सेलेक्टिव होते हैं जब भी आप रोमांटिक होते हैं। इस पर्सन को आपकी हर बात पसंद है, स्पेशली जिस तरीके से आप उनसे बात करते हैं, उन्हें आपके टीज करने का स्टाइल बहुत पसंद हो सकता है, एंड उन्हें आपका फ्लर्ट करना भी पसंद है, आई मीन उनसे। ओके, इस पर्सन को आपके बारे में ये सारी चीजें बहुत पसंद है। एयर ऑफ फायर के साथ इस पर्सन को लगता है कि आपके अंदर हमेशा एक फायर जलती रहती है, यानी पैशन की, और ये चीज आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्साइटिंग बनाए हुए हैं, जैसे कि आप दोनों कल ही मिले थे। ओके, ये बात भी इस पर्सन को आपके बारे में बहुत पसंद है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए मैसेज क्या है इस पर्सन के। यू आर जेन्युइन। इस पर्सन को ये लगता है कि आप जो हैं वो हैं, आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं कहते और ना करते हैं, आप पे भरोसा किया जा सकता है। जब भी आप कुछ कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप
वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, आप उन लोगों में से नहीं है जो कल अपनी बात बदलते हैं। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आपके पर्सन को आपके बारे में क्या पसंद है एंड वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।